एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा, सितंबर माह से खोले जा सकेंगे कॉलेज और विश्वविद्यालय। इसके लिए संस्थान के समस्त स्टाफ और छात्रों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने संकेत दिया है कि सितंबर से उच्च शिक्षा संस्थान, कॉलेज और विश्वविद्यालय शुरू किए जा सकते हैं। इसके लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए दोनों डोज वैक्सीन के लगने के बाद ही छात्रों को प्रवेश की पात्रता होगी। वहीं सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को भी दोनों डोजों के बाद ही प्रवेश की इजाजत मिलेगी। कोई कितना बड़ा अधिकारी कर्मचारी हो, अगर बिना दोनों डोज लगवाए आया है तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। कमलनाथ के वैक्सीन को लेकर किए गए ट्वीट पर कहा कि सारा रिकॉर्ड है, किसको लगी किसको नहीं लगी, ऐसे में प्रश्न उठाना बेईमानी है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो वैक्सीनेशन का डोज हमको पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराया और जिस ढंग से मध्य प्रदेश में इसमें कीर्तिमान यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किया है, यही कारण है कि जब 2 करोड़ से ज़्यादा डोज हमारे अपने प्रदेश में लग चुके हैं, ऐसे में हमको निश्चित रूप से कॉलेज के खोलने की दिशा में कदम बढ़ाना पड़ेगा। कल हमने माननीय मुख्यमंत्री से शिक्षा समूह की बैठक में ये निर्णय कराया और उनने भी सहजता के साथ किया कि हमको बहुत दिनों तक ये कोरोना के कारण से शैक्षणिक गतिविधियों को बंद नहीं कर सकते, कॉलेज को हमको खोलना ही पड़ेगा। और यही कारण है कि हमने कल जब हमारा प्रेजेंटेशन किया उसमें जून और जुलाई में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर किया था, अर्थात यूजी और पीजी की परीक्षा के उपरांत अगस्त में एडमिशन की प्रोसेस चालू करते हुए अगस्त के सारे एडमिशन के प्रोसेस करने के बाद सितंबर से शैक्षणिक सत्र विधिवत रूप से चालू कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें कोरोना के गाइडलाइन का पालन जरूर करेंगे। जैसे हमारी 50% की छात्र संख्या के आधार पर हम उनको कॉलेज में बैठने के लिए ऑफलाइन पढ़ाई चालू करवाएंगे, साथ ही साथ वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगने के लिए उनका अपना सर्टिफिकेट जो मोबाइल में होता है वो लेकर आने की बाध्यता होगी। 2 डोज के बाद ही हम उनको आने के लिए अनुमति देंगे। कमलनाथ जी आके बाबा महाकाल के मंदिर में देख ले, हमने अगर दर्शनार्थियों को भी खोला है तो बगैर डोज वालों को दर्शन की परमिशन नहीं है। कमलनाथ जी जैसे समझदार आदमी ऐसी बात प्रश्न करते हैं जब आश्चर्य लगता है, जो इस सारी व्यवस्था को समझते हैं। हमको मालूम है कि किसी एक भी व्यक्ति को डोज लगेगा तो पूरे भारत सरकार के से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट तक सबके रिकॉर्ड में वो होता है, ऑनलाइन वो चेक कर सकते हैं कि उसको डोज लगा कि नहीं लगा। ऐसे में डोज के बारे में कैसे निश्चित करेंगे, ये प्रश्न उठाना बेमानी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।